कल रात मशहूर पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू सानू सारयां नू अलविदा कह गए। रात नू जदों उह पंजाब वापस आ रहे सी तां KMP कोल उन्हां दी स्कॉर्पियो गड्डी दा खड़े ट्राले नाल एक्सीडेंट हो गया। किसी नू भी नहीं यकीन हो रहा कि पंजाब दे लई बेबाकी नाल बोलण वाले इंज सानू सारयां नू छड के चले जाणगे। देखो कितनी अजीब गल है कि जिस जगह तो सब तो ज़्यादा सुर्खियां चाहे उसी जगह ते अपने आखिरी सांस ले। दस्या जा रहा है कि उन्हां दे नाल कार दे विच उन्हां दी एक दोस्त रीना रॉय भी मौजूद सी, पर वो ठीक है, उन्हां नू कुछ मामूली सट्टां आईयां ने पर वैसे वो ठीक ने। दीप सिद्धू की मृतक देह नू लुधियाणे लैके जाया जा रहा है जिथे उन्हां दा अंतिम संस्कार किया जाएगा। उन्हां दी जिंदगी दे कुछ अहम पलों ते आओ असीं नज़र मार दें। दीप सिद्धू का जन्म 2 अप्रैल 1984 नू मुक्तसर पंजाब विच होया। दीप सिद्धू के पिता का नाम सुरजीत सिंह सी, जो पेशे तो एक वकील सीगे। दीप सिद्धू जदों सिर्फ 4 साल का सी उन्हां दी माता का उदों देहांत हो गया सी, सो दीप सिद्धू का बचपन अपनी माँ के बिना ही गुजरिया। दस्या जाता है कि दीप सिद्धू एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट सी ते ओह बास्केटबॉल का भी बहुत वधिया प्लेयर सी। दीप सिद्धू ने इंडिया नू जूनियर लैवल ते पंजाब नू नैशनल लैवल ते रीप्रजेंट किया। दीप ने एक इंटरव्यू च दस्या सी कि वह इंडियन आर्मी च भी जाना चाहते सी। शुरू तो ही उन्हां दा ध्यान एक्टिंग ते मॉडलिंग वल सी। शुरुआती पढ़ाई तो बाद उन्होंने अपने दम ते सिंपसिस कॉलेज पुणे च दाखला लिया अते उत्थे लॉ की पढ़ाई भी शुरू की। जदों कॉलेज दे विच सी तां किंगफिशर टैलेंट हंट एक कॉम्पीटिशन होया जिस च दीप सिद्धू ने हिस्सा तो लिया ही, नाल दी नाल उस नू जित भी लिया, जिस तो बाद मॉडलिंग च उन्हां दा राह होर आसान हो गया। फिर 2016 च उन्हां ने ग्रैसी मिस्टर परसनैलिटी ते ग्रैसी मिस्टर टैलेंटेड का खिताब भी जितया, जिस तो बाद मॉडलिंग दे रस्ते उन्हां लई होर सुखावें हुंदे उन्हां नू नज़र आए। पर मॉडलिंग उन्हां नू लगदा सी कि उन्हां नू खास रास नहीं आई, फिर उन्होंने मॉडलिंग छड के एज अ लॉयर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दिती। उन्होंने सब तो पहला सहारा इंडिया परिवार के नाल लीगल एडवाइजर के तौर पर काम करना शुरू किया ते फिर वो लंडन इंग्लैंड च अपनी लॉ की अगली पढ़ाई करन लई चले गए। लंडन दे विच रहिंदिया उन्होंने हैमंड लॉ फर्म के नाल काम किया। उत्थे काम करदिया करदिया उन्होंने डिजनी सोनी पिक्चर वर्गे वड्डे वड्डे हॉलीवुड स्टूडियोज़ नाल काम किया। फिर दीप सिद्धू वापस इंडिया आ गए तो उरे आके लैक्स लीगल नाम की उन्होंने फर्म बनाई तो फिर वह बालाजी टैली फिल्म्स के नाल लीगल हैड बन गए तो 3.5 साल उन्होंने लीगल हैड के तौर पर काम किया। उन्होंने संजय लीला बंसाली के नाल भी काम किया। फिर धर्मिंदर की प्रोडक्शन कंपनी विजायता फिल्म के नाल भी काम किया। जब दीप सिद्धू बालाजी फिल्म नाल लीगल हैड के तौर पर काम कर रहे थे उदों उस कंपनी की मैनेजिंग डायरैक्टर एकता कपूर ने उन्होंने कहा कि थोनू एक्टिंग ते मॉडलिंग च भी ट्राई करना चाहिए है, पर दीप सिद्धू ने उन्हां दी गल ते ज़्यादा गौर नहीं कीती। दीप दे दियोल परिवार नाल चंगे रिश्ते सी, गूढ़े रिश्ते सी। जदों दीप सिद्धू कॉलेज विच सी तां इक उन्हां नू ऐड ऑफर होई सी, उस च उन्हां ने सनी दियोल दे भरा दा किरदार निभाउणा सी ते जिस तो बाद दियोल परिवार नाल उन्हां दे रिश्ते चंगे हो गए सी। फिर जदों दीप सिद्धू लीगल हैड दे तौर ते दियोल परिवार नाल काम कर रहा सी तां इक दिन फिल्म डायरैक्टर गुड्डू धनोआ सनी दियोल नू मिल पहुंचे ते उन्हें दस्या कि उन्हां नू अपनी अगली फिल्म रमता जोगी लई एक हीरो चाहिए है। तो उदो धर्मिंदर ने उन्हां नू कहा कि साढ़े कोल मुंडा है दीप सिद्धू, तो उन्हें दीप सिद्धू नू भी कहा कि तैनूं एक्टर दे तौर ते ट्राई करना चाहिए है। फिर दीप सिद्धू ने भी धर्मिंदर की गल नू मान लिया। इस तरह दीप सिद्धू नू अपनी पहली फिल्म रमता जोगी मिली। ये फिल्म 2015 च धर्मिंदर के प्रोडक्शन हेठ रिलीज़ हुई तो फिर दीप सिद्धू के एक्टिंग लई रस्ते खुल गए। फिर 2017 च फिल्म आई जोरा 10 नंबरिया, जो कि सुपर डुपर हिट हुई तो पंजाबी इंडस्ट्री वो एक मशहूर एक्टर वजो जाने जाने लग पाए। फिर 2018 च उन्हां दी रंग पंजाब ते साढ़े आला फिल्म रिलीज़ हुई ते फिर 2020 दे विच जोरा द सैकेंड चैप्टर आई, जिस तो बाद वो एक एक्शन हीरो बन गए। इतने दस दिए कि 2019 की लोकसभा चोणा हुई तो सनी देओल नू गुरदासपुर के MP वजों खड़ा किया गया भाजपा वालों।
क्योंकि दीप सिद्धू के संबंध बहुत गुड़े सी देओल परिवार नाल, इसलिए काफ़ी मीटिंग्स दे विच सनी देओल दे नाल प्रचार करते दीप सिद्धू भी नज़र आए। तो ये तस्वीरां तुसी किसानी अंदोलन च देखिया होनिया, जदों कोई लोगों ने दीप सिद्धू ते यह इल्ज़ाम लगाए कि यह BJP का बंदा है तो अंदोलन खराब कर रहा। पर दीप सिद्धू ने अपने आप को इलैक्शन तो पहला ही सनी देओल तो अलग कर लिया सी, जदों सनी देओल नू कुछ डेरियां ते भी वोटा मंगन जाना पिया, जो कि दीप सिद्धू नू पसंद नहीं आया। जोरा दा सैकेंड चैप्टर रिलीज़ होने तो बाद सारे देश विच लॉकडाउन लग गया, तो सारे लॉकडाउन च अपने घरां च कैद हो गए। उदो दीप सिद्धू ने वीडियोज़ बना के फेसबुक ते शेयर करनिया शुरू कर दित्तियां, तो वीडियोज़ च समाजिक मुद्दों बारे चर्चे करते रहिंदे सी। ते इन्हां गल्लां करके कई नौजवान होर उन्हां नाल जुड़ने शुरू हो गए, ते उन्हां ने पंजाब दे मुद्दियां नूं लै के वीडियोज़ बनाउणियां शुरू कर दित्तियां। किसानी अंदोलन दौरान कई लोग उन्हां ते ये इल्ज़ाम लाउंदे रहे कि दीप इकदम पंजाब दी खुदमुख्तियारी दी गल्लां करदा है, सिख कौम दी गल्लां करदा है, ते कि यह BJP RSS वल्लों फिट कीता बंदा तां नहीं। पर दस दिए कि दीप शुरू तो ही संत जरनैल सिंह भिंडरांवालिया रिलेटिड फोटोआं शेयर करता रहा है, तो उन्हां तो बहुत प्रभावित रहा है। तो इस तो इलावा दीप गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला नूं अपना लीडर मानता रहा है, तो शुरुआत तो ही दीप दे बुद्ध सिंह वाला दी फैमिली नाल चंगे रिलेशन रहे हैं। तो जदों दीप सिद्धू के पिंड वालों तो उन्होंने बारे राय ली जाती है, उन्होंने पिछोकड़ बारे दसिया जाता है कि जेडे उन्होंने परदादा जी सके दीप सिद्धू के, वो भगत सिंह के चाचा जी के दोस्त सके, तो भगत सिंह भी उन्होंने परदादा जी को मिलते रहते। 2020 जदों खेती कानून लागू किए गए उदों पंजाब सारा इकट्ठा हो गया। दस दिए कि जदों पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर मोर्चा लाने का फैसला किया गया, तो वह आइडिया भी सब तो पहला दीप सिद्धू ने ही दिता सी। ते फिर 25 सितंबर 2020 जिहड़ा मोर्चा लाया गया, मोर्चा लाने की कॉल दी गई, तो बहुत वड्डा उत्थे इकट्ठ होया। 4 नवंबर 2020 तो दीप सिद्धू ने शंभू मोर्चे ते पक्का मोर्चा लाने की गल की, तो फिर काले कानूनों के विरुद्ध च पक्का मोर्चा उत्थे लगा लिता। फिर धरना जदों चल रहा सी तां 26 जनवरी ते लाल किला वाली घटना वापरी, जिस तो बाद सारे दीप सिद्धू के खिलाफ हो गए, तो उन्होंने धरने तो आउण तो बैन कर दिता, तो दीप सिद्धू ते हिंसा भड़काउण ते लाल किले ते धार्मिक झंडा लहराउण दा भी केस चलिया, ते उन्हां ते 1,00,000 दा इनाम रख्या गया। फिर 9 फरवरी 2021 नूं दीप सिद्धू नूं अरैसट कर लिया गया, ते 7 दिन दी रिमांड लई पुलिस ने उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया। उन्हां दा रिमांड दा टाइम होर ज़्यादा वधाउंदे रहे, जमानत उन्हां नूं मिल नहीं रही सी, जमानत होण च उन्हां दी देर हुंदी रही, जमानत उन्हां नूं रोकण लई बहुत सारे प्रयास कीते गए। फिर उन्होंने फाइनली जदों जमानत मिली तो वीडियोज़ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से वायरल हुई, तो फिर उस तो बाद दीप सिद्धू भी सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए। तो फिर 7 दिसंबर किसानों के हक च फैसला जदों आया, बिल जिहड़े सीगे वो रद्द हो गए, फिर उन्होंने पंजाब के लिए लड़न लई एक जत्थेबंदी बनाई जिसका नाम सी वारिस पंजाब दे। ते हुण रीसेंटली जे गल करिए तो हुण सिमरनजीत सिंह मान लई प्रचार करते नज़र आते, पर किसी ने नहीं सोचा सी कि महज 38 साल की उम्र विच फानी दुनिया नू अलविदा कह जाणगे। हालांकि इस घटना के सदमे चों बहुत लोग बाहर नहीं आ पा रहे, तो कई लोग इस नू साजिश भी करार दे रहे हैं, पर हले मामला जांच अधीन है। पर जो तस्वीरां सामने आ रही ने वो भावुक कर देने वाली ने।